मेरे पास 250 क्रेजी बॉल्स हैं, लेकिन एक भी होममेड क्रेजी बॉल नहीं है, तो क्यों ना घर में आज एक क्रेजी बॉल बनाई जाए। इसके लिए हमें चाहिए 3 होली के कलर, एक फेविकॉल का गम और थोड़ी सी ब्राउन शुगर। उसके बाद हमें इन 3 होली के कलर्स को ब्राउन शुगर के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें सेम कलर्स के वाटर कलर्स लेने हैं और इनको भी एक एक करके मिक्स कर देना है। फिर इस पूरे काम पे पानी फेरना है और ग्लू का मस्त तड़का लगाना है। उसके बाद इसको कस के लस्सी की तरह मिक्स करना है और सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद इसको बॉल बनाने के खांचे में डालना है। उसके बाद एक बोल में मस्त गर्म पानी लेना है और इस पूरे तामझाम को उस पानी के अंदर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उतनी देर में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लो। 10 मिनट बाद इसे बाहर निकालना है और कम से कम 2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। और गाइस, हमारी होममेड क्रेजी बॉल तैयार है। चलो इसे खोलते हैं और देखते हैं कैसी दिखती है। भाई, देखने में तो ये एकदम क्रेजी बॉल जैसी है और बाउंस भी क्रेजी बॉल जैसा है।